पराशर मुनि का पोखरा, इसी के नाम पर परसिया का नाम पड़ा था। यह पोखरा बहुत ही प्रसिद्ध है, देख रहे हैं आप कितना सुंदर प्राकृतिक दृश्य। परसिया ग्राम सभा बलिया, तो आप देख सकते हैं पराशर मुनि का यह स्थान है दोस्तों। इसी के नाम पर परसिया का जो ग्राम सभा है, परसिया का नामकरण हुआ इसी पराशर मुनि जी के स्थान जो पवित्र इस ग्राम सभा में है, और पराशर मुनि के ही स्थान के नाम पर इस ग्राम सभा का नामकरण हुआ परसिया। तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा पोखरा दोस्तों, और यहीं पे माता जी का मंदिर है काली माता के, देख सकते हैं जूम करके दिखाऊंगा। यह पेड़ के नीचे सफ़ेद जो दिख रहा है माता जी का मंदिर है, और इस पोखरे की मान्यता है कि पराशर मुनि जी यहाँ रहा करते थे, तप किया करते थे, और इस तपस्या के इनका मठ है, यहाँ यज्ञ होता था, और इसी उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम परसिया पड़ा। और इसकी बहुत ही प्रसिद्धि है, यहाँ के लोग जो भी है बहुत इनके आशीर्वाद से, दुआ से बहुत आगे बढ़े, बहुत देश में कई जगहों पर नामकरण हुआ। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा, प्राकृतिक दृश्य, ग्राम सभा परसिया जो कि हल्दी से 1 किलोमीटर पहले पड़ता है बलिया जाते समय, और परसिया के बाद 1 किलोमीटर हल्दी है जो कि NH 31 हाईवे पर यह ग्राम सभा पड़ता है, सीताकुंड परसिया इसे बोलते हैं, परसिया नंबर 1, परसिया नंबर 2। और यह तपोभूमि जो कि पारा इनका परसिया जो पड़ा दोस्तों परसर मुनि, ठीक है। तो ये देख सकते हैं सुंदर नचारा पोखरे का। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हकीकत तक MKS न्यूज रिपोर्टर बलिया, मैं पहुंच चुका हूं पराशर मुनि के पोखरे पर, जो कि यहां पर बहुत लोगों का कार्यक्रम होता है, छठ होती है, छठ पूजा होता है, और आप लोग देख सकते हैं इस प्राकृतिक दृश्य को दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।